बादली ना नगर पालिका ना पंचायत कस्बे के लोग अत्यंत परेशान, समस्याओं का नहीं हो रहा समाधान, ढेरों परेशानियों का कर रहे सामना। बादली कस्बे में सरकार और पूर्व कृषि मंत्री तथा वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बादली को नगर पालिका का दर्जा दिलाया गया था। नगर पालिका के कार्यालय अधिकारी कर्मचारी अभी पूर्ण रूप से अपना काम शुरू भी नहीं कर पाए थे कि लोगों ने नगर पालिका का विरोध शुरू कर दिया। लोगों के विरोध को देखते हुए 30 सितंबर 2022 को प्रशासन व सरकार द्वारा बादली में जनमत संग्रह कराया गया। इस जनमत संग्रह में नगर पालिका की हार हुई और पंचायत की जीत हुई। इसके बाद सरकार द्वारा नगर पालिका का दर्जा तो नवंबर 2022 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन पंचायत का दर्जा देकर आज तक संबंधित विभाग, पंचायत विभाग, BDPO या किसी अन्य को चार्ज नहीं दिया गया। पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव भी करा दिए गए। इसके बाद भी बादली नगर पालिका के 3 गांव बादली, पहासोर और एमपी माजरा में चुनाव नहीं कराए गए। इस मामले में कहीं ना कहीं कस्बे के लोग पूर्ण राजनीति मान रहे हैं। वर्तमान में विधायक विपक्ष यानी कांग्रेस से है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बादली के लोगों ने विधायक नहीं बनाया। लोगों का मानना है कि बादली कस्बे का विकास राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। कस्बे के लोगों तेजपाल ठेकेदार, कुलवीर सिंह गोकल, हिम्मल पहलवान, सुखबीर नंबरदार, सोमवीर जयवीर, मनीष बैदन ठेकेदार व अन्य लोगों का कहना है कि बादली सहित पहासोर और एमपी माजरा गांव के लोग हालात अत्यंत ही दयनीय बने हुए हैं। गांव में ना प्रशासन कोई काम करा रहा है और ना पंचायत यहां पर है। लोग अपनी समस्याएं लेकर जाएं तो कहां जाएं? जरा सी बरसात में गलियों और लोगों के घर जलमग्न हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि सितंबर 2022 में नगर पालिका का जनमत हुआ था, उसके बाद से कस्बे के अंदर सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से अवरुद्ध है। कहीं सफाई नहीं हो रही है, जिसके कारण नाले अवरुद्ध पड़े हुए हैं, उनमें कीचड़, गंदगी और पन्नी बुरी तरह से फंसी हुई है। पानी निकासी बिल्कुल नहीं हो रही है, इसी कारण जरा सी बरसात में गलियों में पानी भर रहा है, जो लोगों के घरों और दुकानों तक में घुस रहा है। समस्या इतनी विकराल है कि लोगों में भारी रोष बना हुआ है। लोग पक्ष और विपक्ष के चक्कर में न पड़कर केवल कस्बे का विकास चाहते हैं, नालों की सफाई और गंदे पानी की निकासी चाहते हैं। अब तो लोग दबी जुबान में यह भी कहने लगे हैं कि अगर पक्ष और विपक्ष इसी प्रकार अपनी लड़ाई लड़ते रहे और बादली कस्बे की यही दुर्गति होती रही तो आगामी चुनाव में वह किसी को भी वोट नहीं देंगे, या तो चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे या फिर अपना कोई अन्य विकल्प तलाश करेंगे। कस्बे के लोगों ने एक बार फिर सरकार और प्रशासन से आह्वान किया है कि कस्बे की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए, पंचायत का चार्ज पंचायत विभाग और BDPO को दिया जाए, जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराए जाएं ताकि लोगों की समस्याओं से कुछ हद तक उन्हें मुक्ति मिल सके।